गुब्बारों से सजी कार, ढोल नगाड़े और नाच गाना, ये नज़ारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं। स्क्रीन पर दिख रही ये वीडियो ना तो किसी बारात की है और ना ही दुल्हन के स्वागत की, बल्कि ये जश्न लक्ष्मी के घर आने का है। कहानी मध्य प्रदेश के सागर जिले की है, जहां एक घर में बेटी का जन्म हुआ तो घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नर्सिंग होम से लेकर घर तक का डिस्टेंस 3 किलोमीटर है। बेटी के जश्न में डूबा परिवार पूरे रास्ते खुशी से झूमते गाते घर पहुंचा। पिता बने स्वप्निल नामदेव अपनी पत्नी और माँ बनी मेघा नामदेव के साथ बेटी का स्वागत धूमधाम से करना चाहते थे। डिलीवरी के 6 दिन बाद मेगा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई, तब गाड़ी को गुब्बारों से सजाया गया। घर पर भी रंगोली और गुब्बारों से डेकोरेशन की गई, फूलों का कारपेट तैयार किया गया। इसके बाद माँ और बेटी जब घर पहुंची तो परिजनों ने दोनों की आरती उतारी, दीपक जलाया और कपड़ों पर बेटी के पैरों की छाप ली। इसके बाद गृह प्रवेश कराया गया। जिसने भी यह नज़ारा देखा सब देखते ही रह गए। पिता की इस खुशी में पूरे परिवार ने साथ दिया। सचमुच बेटी के रूप में लक्ष्मी का घर में आगमन हुआ है। बता दे, स्वप्निल और मेघा ने अपनी लाडली का नाम श्रीधि रखा है। भगवान की कृपा से हमारे घर पे 13 मई को पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है और पूरे परिवार में काफ़ी खुशी का माहौल है। और मेरा यही मानना है कि बेटी हो या बेटा, और सभी हमारे लिए हमारे बच्चे होते हैं और कभी भी हमें ये अंतर नहीं रखना चाहिए। और मेरे घर में ज़्यादातर बेटियां ही, और हमारा पूरा परिवार बेटियों से और लक्ष्मी जी से भरा हुआ है। तो मैं यही कामना करता हूँ कि बेटियाँ भी हमारे लिए उतनी ही ज़रूरी हैं जितने बेटे ज़रूरी हैं, और वही खुशी है, वही हर्षोल्लास है कि आज हम इतने खुशी से उसको हॉस्पिटल से अपने घर लेके आए हैं। तो यही है कि बेटी हमारी ही सब कुछ है। पिता बने स्वप्निल नामदेव की फरवरी 2022 में मेघा नामदेव से शादी हुई थी। 13 मई 2024 को मेघा ने खेमचंद हॉस्पिटल में बेटी को जन्म दिया। कपल का ये पहला बेबी है और बेटी होने पर खुशी दोगुनी हो गई। पिता स्वप्निल अपनी लाडली के स्वागत को यादगार बनाना चाहते थे। इस जश्न में उनके माता पिता प्रदीप और मंजू नामदेव भी पीछे नहीं हटे और अपनी लाडली पोती का जोरों शोरों से वेलकम किया। आज भी समाज में कई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ लड़के के पैदा होने पर ही जश्न मनाते हैं। इस बीच सागर की ये खबर समाज में मिसाल पेश करती है। सागर से लोकलिटीन के लिए अनुज गौतम की रिपोर्ट।